आजवर तुकला माय जातीवर शिवी केली अल्लाह अकबर मले देखेंगे तेरे को क्या कर सकते हैं करके आणि यांच्यावर थुकले यांनी असं मला वाचवलं म्हणून त्यांचे कपड्यावर ते पडलं आणि आता आम्ही गुन्हा दाखल केलाय रात्रभरेपर्यंत जर त्यांना अटक नाही झाली. अल्लाह अकबर देख लेंगे हम तुम्हें. ये बयान सुनकर आप सोच रहे होंगे कि पूर्व सांसद नवनीत राणा के साथ क्या कोई घटना घटी है. तो हाँ ये सच है. इस वीडियो में हर तरफ आपको सिर्फ उपद्रव ही देखने को मिलेगा. महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी उबाल तेज है और इस बीच महाराष्ट्र की धरती से चुनावी समर के बीच एक बड़ा बवाल नवनीत राणा के साथ हो गया. नवनीत अमरावती की सांसद रह चुकी है लेकिन अब वहां की जनता ने जनप्रतिनिधि के साथ गलत बर्ताव किया है. उन पर हमले किए गए, कुर्सियां फेंकी गई. इस तस्वीर को देखकर अब हर कोई हैरान है कि नवनीत के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ. दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा की रैली में जमकर बवाल मचा और अब इसको लेकर हैरान करने वाले खुलासे हुए. जानकारी के मुताबिक खल्लार गांव में नवनीत राणा पर यह हमला हुआ था. यह घटना उस समय हुआ जब नवनीत अपने विधायक पति रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रमेश बुंदेले के समर्थन में प्रचार कर रही थी. नवनीत ने आरोप लगाया कि जब वो सभा में भाषण दे रही थी तभी कुछ लोगों ने उन्हें गंदे इशारे किए और मजहबी नारे लगाए. जैसे ही राणा का भाषण खत्म हुआ उन पर कुर्सियां फेंकी गई. इसके बाद सभा में हंगामा मच गया. नवनीत राणा ने बताया कि उनके सुरक्षा गार्डों ने उन्हें सुरक्षित वाहन तक पहुंचाया लेकिन हिंसक भीड़ ने उन पर गालियां देते हुए हमला करने की कोशिश की. माझ्यावर थुकलं माझ्या जातीवर शिवी केली अल्लाह अकबर मला देखेंगे तेरे को क्या कर सकते हैं करके आणि यांच्यावर थुकले यांनी असं मला वाचवलं म्हणून त्यांचे कपड्यावर ते पडलं आणि आता आम्ही गुन्हा दाखल केलाय रात्रभरेपर्यंत जर त्यांना अटक नाही झाली. नवनीत राणा ने पुलिस थाने में 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो हिंदू संगठन आंदोलन करेगा. पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.